5 अगस्त 2019, वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन केंद्र ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा वापस लेकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील करने का फैसला लिया था। आज से 4 साल पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। आज यानी शनिवार को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की 4वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जश्न मनाया गया। इसी के चलते कोटली भवन रिहाड़ी कोटली कॉलोनी जम्मू में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1947 में विस्थापित हुए परिवारों के मुद्दे पर भी विचार किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा, पीएचसी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अध्यक्ष अरुण खन्ना, जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही, भाजपा राज्य सचिव अरविंद गुप्ता, प्रभारी जम्मू पश्चिम राजीव चाड़क, प्रभारी अखनूर संजय बड़ू और जनरल सेक्रेटरी कुलदीप कंधारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की एंकरिंग कुलदीप कंधारी द्वारा की गई। इस मौके पर डॉक्टर सबजीत सिंह, वीनू खन्ना और डॉक्टर केडी गुप्ता ने पीओजे के शरणार्थियों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के बारे में भी बात की गई। इस समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में पार्षद दिनेश गुप्ता, पार्षद सुरेंद्र चौधरी, रिहाड़ी बख्शी नगर मंडल उपाध्यक्ष भवनेश गुप्ता, रिहाड़ी बख्शी नगर मंडल जनरल सेक्रेटरी कुशान दफारा और इलाके के कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज इस समय हम रिहाड़ी में हैं और रिहाड़ी का ये जो कोटली भवन है, ये पीओजेके के जो जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, परिवार हैं, उनका आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। और ये जो कार्यक्रम था, यहाँ पर ये जिला जम्मू में रहा, लेकिन जहाँ जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं अरुण खन्ना जी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन भी हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने इस जिला में ये कार्यक्रम जो है वो करवाया है। और जहाँ पर बहुत सारे मौजूद लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें जहाँ पर रखी हैं, और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया है कि उन्होंने धारा 370 हटाकर हमें ये जो निजात दिलाई है उसके हम सब ऋणी हैं। और इनका ये भी कहना था कि धारा 370 हटने के साथ साथ ही ये जो पीओजेके के रिफ्यूजीज नाम से जो लोग जाने जाते थे, उनका जो उन्होंने मान सम्मान किया, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात हुई है। देश भर में एक डिमांडे भी कुछ हैं, उस डिमांडों पर भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी जम्मू कश्मीर में नहीं हैं, वो 1947 में भी देश से, जम्मू कश्मीर से बाहर स्टेट्स में बसे हुए हैं, उनको भी वो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। जो जम्मू के वासियों को, जो पीओजेके के निवासी थे, उनको जो मिले हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हुआ, उसमें खाने पीने का बंदोबस्त भी जो है वो किया गया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई धारा 370 हटने की खुशी में आज यहाँ पर पीओजेके के जो निवासी हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, धूमधाम से जो है इसे सेलिब्रेट जो है। आज सभी का लिए बधाई का दिन है, ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 है। और दूसरा, आज बधाई का दिन है, आज रामलला जी का मंदिर था, उसका भी फैसला आज के दिन ही आया था, जो हमारे 542 साल से जिसका हम ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहे थे, रामलला जी का मंदिर, उसकी फाउंडेशन स्टोन भी आज के दिन ही रखी गई थी। आर्टिकल 370 और 35 है, जो कश्मीरी हुकमरान ने एक टेम्परेरी जो एक ला था, उसको हमारे ऊपर 70 साल जिसपे लगा के रखा, उसको मोदी जी और अपना अमित भाई शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को उसको ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर को विकास की राह की तरफ लेके गए। आपने देखा होगा कि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले। जम्मू में जितने भी लोग थे, जम्मू वासी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे। कोई लोग चंडीगढ़ में मकान खरीद रहे थे, कुछ हिमाचल में खरीद रहे थे, कुछ दिल्ली में खरीद रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि आने वाले टाइम में हमने जम्मू सुरक्षित नहीं है, हमें जहाँ से पलायन करना पड़ेगा। हमने एक पलायन का दुख जो 1947 में देखा हुआ था, वो हमारे अभी बुजुर्गों के दिलों दिमाग से गया नहीं हुआ था और हमें आगे के पलायन के बारे में सोचना पड़ता था। और लेकिन मैं मोदी जी का और अमित भाई शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को ध्वस्त करके उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर को एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर के रूप में रखा, उनके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बातें करूंगा, पहले मेरे मन में कुछ दो चार बातें हैं, मैं कहना चाहूंगा।
यहाँ पे जितने भी हमारे परिवार हैं इनका इस देश के प्रति समाज के प्रति कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। इस मैं चाहूंगा कि वो अपना जोश आज दोबारा उजागर करें। मैं जयघोष करूंगा उसका जवाब देना। ऐसा देश जो हमारे पूर्वजों ने 1947 में पाकिस्तान में दिया था वही आज तक देश की तरह भारत माता की जैसे ही देश आजाद हुआ, देश आजाद होते ही समस्त प्रदेश जो थे वो भारत में मिले हुए, परंतु जम्मू कश्मीर को एक अलग सी धारा दे दी। उस धारा का तो मतलब समझ आता है, परंतु उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी जो संधि थी उस संधि का कारण है कि आज जम्मू कश्मीर का जो जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जो हिस्सा है अगर वो पाकिस्तान के पास है तो वो नेहरू शेख के एकार्ड के कारण है। हमारे बीच में डॉक्टर केडी गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर केडी गुप्ता जी, जुगल जी, अरुण खन्ना जी और मंच पर बैठे हुए मेरे और साथी, के लोग कहते 370 से हम लोगों को क्या मिला। अरे मेरे भाइयों, रेवड़ियां बांटने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, पर देश को बचाने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। वो सिर्फ भाजपा है जो इसका हलाल किया है हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ। इससे पहले यहाँ के कई कानून जो है भारत के नहीं थे। उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, क्या भरोसा है इस जिंदगी